प्रिय भक्तगणों, अगले चार पांच दिन के अंदर मोहिनी एकादशी का महापर्व आने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, पति पत्नी के मध्य अच्छे प्रेम संबंधों के लिए यह पर्व विशेष रूप से साध्य माना गया है कि इस पर्व के दिन अगर हम प्रेमी प्रेमिका को या पति पत्नी को एक दूसरे के बीच में अच्छे संबंधों के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई कार्य सिद्धि करना चाहते हैं, तो यह पर्व मोहिनी एकादशी का जो पावन पर्व है उस दिन किया गया कोई भी उपाय आपको मनोवांछित फल देने में समर्थ है। ये तो वो मोहिनी एकादशी है जिस दिन भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर समस्त दैत्यों को मोहित कर लिया था और देवताओं को अमृत पान करा दिया था। तो इस दिन अगर आप धैर्य पूर्वक अपनी पत्नी को या अपने पति को, अपनी प्रेमिका को या अपने प्रेमी को अच्छे संबंधों के लिए, अपने मधुर रिश्तों को बरकरार बनाए रखने के लिए या अपने संबंधों में आ रही दरार को भरने के लिए अगर इस दिन आप यह प्रयोग करें तो निसंदेह आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। करना भी कुछ खास नहीं है, बहुत आसान सा प्रयोग है यह। मोहिनी एकादशी के दिन अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में या अपने कपड़ों के अंदर एक मोर पंख लेकर रख लें। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की फोटो के समक्ष, जिस फोटो को फ्रेम करा रखा हो या उनकी मूर्ति के समक्ष बैठकर धूप दीप देकर इस मंत्र का, जो कि अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस मंत्र का तीन दिन तक एक माला यानी 108 बार मोहिनी एकादशी से शुरू कर अगले तीन दिन तक, यानी मोहिनी एकादशी को उसके बाद वाले दिन और उसके बाद वाले दिन तीन दिन तक इस मंत्र का 108 बार यानी एक माला का जाप करें तो निश्चित रूप से आपके संबंधों में बहुत मधुरता आएगी और आपके संबंध बहुत लंबे और अटूट रूप से चलते रहेंगे। स्क्रीन पर आ रहे इस मंत्र को आप कृपया नोट कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिलोचनाय त्रिपुर वाहनाय अमुक अमुक यानी उस व्यक्ति या उस स्त्री का नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार उन्हें इस मंत्र को सुने, उसका स्पष्ट उच्चारण समझें और स्क्रीन पर से जो मंत्र आ रहा है उसे नोट कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिलोचनाय त्रिपुर वाहनाय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग करें तीन दिन तक और अपने इच्छित फल की प्राप्ति करें। अगर इस मंत्र को करने से आपको अभीष्ट फलों की प्राप्ति नहीं होती तो आप बहुत अच्छी तरीके से यह अपने मन में बात समझ लें कि आपके ग्रह दशा, आपके ग्रहों की चाल आपके अनुकूल नहीं है। उस केस में आप मुझे या किसी बहुत योग्य विद्वान को अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं और अपने ग्रहों की पीड़ा को दूर करें तो निश्चित ही
आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर आप हमसे वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर आप समय बुक कर लीजिए और हमसे अपनी हमको अपनी जन्म कुंडली आप दिखा सकते हैं। जो व्यक्ति वेबसाइट पर नहीं जा सकते हैं वह एक छोटी सी फीस है हमारी, उस फीस को पे करने के बाद पेटीएम से के थ्रू पे कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के लिए आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, तो हम आपको भगवान शनिदेव का जो अकाउंट नंबर है, जो शनि मंदिर का अकाउंट नंबर है वो आपको भेज देंगे, उसमें वह फीस जमा कर दीजिए। हम आपकी जन्म कुंडली देखकर जो ग्रह आपकी प्रेम संबंधों में अड़चन डाल रहे हैं उनके लिए आपको आसान उपाय बता देंगे, उनको करने से निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं वो वेबसाइट पर जाकर अपने अपनी इच्छा के अनुसार सुबह 10:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में कोई भी समय हमारे से फिक्स कर सकते हैं, उस समय पर हम वीडियो कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा या फोन कॉल के द्वारा आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको उचित उपाय बताने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वचन देते हैं। मैं गुरु रजनीश ऋषि, शनि मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से मोहिनी एकादशी के आने वाले पावन पर्व के लिए आप सभी व्यक्तियों के खुशी दाम्पत्य जीवन के लिए और उन सभी बंधुओं के अच्छे प्रेम संबंधों के लिए मंगल कामना करता हूं। जय शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। क्या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? क्या आपको योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा? क्या आप अपने प्यार को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लवर से शादी करना चाहते हैं? क्या आपका रिश्ता होकर के टूट जाता है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें